तीनों जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अपना दल एस और निषाद पार्टी के तीनों जिला अध्यक्षों में चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, पुष्प गुच्छ दे करके हाथ में माला दे दीजिए, पुष्प गुच्छ दे दीजिए। हम मेहमा हमारा जो होता है वो जान से प्यारा होता है। राहुल हम कहेंगे हमारे विधानसभा संयोजक विपुल सिंह जी, हाँ पुष्प गुच्छ दे करके अभिनंदन करें। विधानसभा प्रभारी हमारे श्रीनिवास चतुर्वेदी जी, बहुत मेहनत से तन मन धन से मेहनत करने वाले, यहाँ जगाने वाले काशी नरेश हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला महापूर्व जिला महामंत्री आदरणीय हमारे विधानसभा प्रभारी। तो ऐसा करिए, एक बार जरा बुलंद आवाज में इनका चुनाव निशान ऐसे बताइए कि लखनऊ तक लोगों को सुनाई पड़ जाए। तो राहुल जी का चुनाव निशान क्या है भाई? मिर्जापुर वालों ने लगता खाना पीना छोड़ दिया, ये दगे कारतूस की तरह नारा ना लगाओ। माताएं बहने आशीर्वाद देने आई है तो लगे बेटवा को भी जरा आशीर्वाद जम के मिल रहा है। आ तो भाई, इधर वाले उधर वाले सामने वाले माताएं बहने इधर वाले और दूर जो खड़े देख रहे हैं, सब लोग एक साथ जरा हाथ उठा के मेरे को बता दीजिए राहुल जी का चुनाव निशान क्या है? ये हुई ना बात मिर्जापुरियों वाली। अब तो ये पहुंच गए, जनजों की घोषणा कर देता है। अब 10 तारीख को तो औपचारिकता मात्र बाकी है, फैसला तो हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया? और फैसला हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के पक्ष में मेरी गांठ बांध लो आप। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही हूं, छठे चरण का मतदान होने जा रहा है कल और 7 तारीख को होगा 7वें चरण का। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अपने अंतिम दौर पर पहुंच गया है और साथियों मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही हूं, इसके पूरे विश्वास के साथ ये बात आपके बीच में कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश के मतदाता मगन मस्त हैं, क्योंकि विकास जबरदस्त है और इसलिए विपक्षी के हौसले पस्त हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं ने तय कर लिया है भाजपा अपना दल निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी जहां जहां भी है, चाहे मान की रक्षा हो रही है। आपको पता है ना, आज दुनिया में कहीं जंग छिड़ गई है, अरे रूस नाम का बड़ा सा देश है यूक्रेन नाम के छोटे से देश पर हमला बोल दिया है, चारों तरफ बम फूट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तबाही मची हुई है, देख रहे हो ना भाई टीवी पर मीडिया पर हो रहा है ना। लेकिन वहां पर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन यूपी वालों ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई है मोदी जी की और इसलिए जहां बम के धमाके हो रहे हैं बारूद यही देखने को मिल रहा है। मोदी जी की सरकार अपनी स्पष्ट विदेश नीति के कारण वो सारे भारतीय नागरिक जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, हमारे चार चार केंद्रीय मंत्री वहां पर गए हैं और वो उन सबको विमान में एयर इंडिया के विमान में बैठाकर सुरक्षित उनकी वतन वापसी कराने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, देश की सरकार मजबूत हो ये जरूरी है, लेकिन देश की सरकार मजबूत तब होगी जब यूपी वाले मन बना लेंगे। तो यूपी वालों मन बना लो भाई, एक एक सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिता कर भेजना है और इस 96 विधानसभा से एनडीए का चेहरा हमारे भाई राहुल प्रकाश कोल है। इसलिए आने वाली 7 तारीख को राहुल प्रकाश कोल के चुनाव निशान, इसे भूल गए क्या?
थी तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि भाई मेरे जीवन का पहला मौका है कि एक चाय वाला कप प्लेट के लिए वोट मांगने आया है। तो भाई ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरे कई कार्यक्रम लगे हैं, आप सबसे निवेदन है छानबे के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश की मजबूती।